हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं मेथी पराठा बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आधा किलो मेथी का साग लिए हैं, डंठल और जड़ हटाकर दो तीन पानी से इसको धो लिए हैं। इसको बारीक काट लेंगे। मूली लिए हैं चार पांच, इसका कद्दूकस कर लेंगे। मीट मसाला लिए हैं 2 चम्मच, इसमें गरम मसाला भी डाल सकती हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 4-5 मिर्चा, 1 इंच अदरक, 7-8 लहसुन कली और प्याज, 1 या 2, आटा आधा केजी। मैंने आटा को एक बड़े बर्तन में रख लिया है। अब इसमें साग डाल देंगे बारीक कटा हुआ, मूली डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ, प्याज डालेंगे, मिर्चा, लहसुन, अदरक सब मिक्स कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला या मीट मसाला पूरा डाल देंगे। सबको मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का पानी डाल के कड़ा आटा गूंथ लेंगे, बहुत कड़ा भी नहीं। इतना कड़ा आटा गूंथ लेंगे अच्छी तरह से मिलाकर सॉफ्ट होने तक। रोटी से थोड़ा बड़ा बड़ा लोई लेंगे और रोटी से थोड़ा सा मोटा ही बनाएंगे। इस तरह से लोई कर लेंगे, आटा लगा लेंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। इस तरह से डालेंगे और धीरे धीरे आंच में इसको सेकेंगे, मीडियम आंच में। एक साइड सेक गया है, इसको दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। उसके बाद हल्का हल्का तेल लगाएंगे और इसको दबाते हुए सेकेंगे इस तरह से। इसे सरसों तेल या घी से भी सेक सकते हैं, मैं इसे रिफाइंड से सेक रही हूँ। इस तरह से सेक लेंगे। दूसरा रोटी डालेंगे। हमारा पराठा बनके तैयार है। आप इसे नमकीन चटनी या मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं।